हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे। मैं भी आप सबको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इस समय हम अपने फ्रेंड्स से मिल नहीं पाते हैं। आप दुखी होंगे ना? मैं आपको एक बात बताऊँ, यीशु मसीह आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा कि हम बोल भी नहीं सकते। उतना ज़्यादा प्यार करते हैं आप सबसे यीशु मसीह, है ना? यीशु मसीह कौन है? आपके बेस्ट फ्रेंड है। वो हरदम हमारे साथ रहते हैं, हर एक वक्त, जितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना, वो यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। आज हम यहाँ पे क्यों हैं? आज हम अपने फ्रेंड से मिलेंगे, उनसे यीशु मसीह के बारे में और भी जानेंगे। आप सब तैयार हैं यीशु मसीह के बारे में जानने? हाँ, चलिए हम चलते हैं। जॉन अभी तक क्यों नहीं आया? जॉनी, हेलो जॉनी, हेलो दीदी। कैसे हो? देखो, हमारे फ्रेंड्स हमसे मिलने आए हैं। अच्छा, क्या हुआ? इतने उदास लग रहे हो मुझे, क्या हुआ? आपको पता है दीदी, आज हमारे स्कूल में रिजल्ट दिखाया था। हाँ, क्या हुआ? कितने अच्छे मार्क्स आए? मैं तो फेल होने से बाल बाल बच गया। फेल होने से बच गए? क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं पढ़ के गए थे तुम? मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। मैं मोबाइल देखते रहता हूँ, टीवी भी देखते रहता हूँ, अच्छा, क्या हो, क्यों? क्योंकि मैं गेम पबजी गेम खेलता हूँ, इसीलिए। मैं पबजी? पढ़ाई करते समय ऐसा लगता है कि मेरे आजू बाजू में बहुत सारे बंदे खड़े हैं। मन करता है कि उठ के डिस्काउंट डिस्काउंट कर दूँ। हाँ, अच्छा, ये तो बहुत गलत, बुरी बात है। अभी तक जूली क्यों नहीं आई? को पता है दीदी, एक बात बता दो, इधर आओ कान। जूली पता है फेल हो गई होगी, क्योंकि आज स्कूल में दुखी से बैठी हुई थी। फेल हो गई? हम देखते हैं, जूली आएगी ना, मुझसे पूछेंगे। अभी तक जूली नहीं आई, ये रे आ गई। हाय जूली, हाय दीदी, हमारे फ्रेंड्स आए, हाय बोलो उन्हें। हाय फ्रेंड्स। तुम्हारे कितने मार्क्स आए एग्जाम में? दीदी मार्क्स की पूछो ही मत दीदी, मैं एक मार्क्स से फेल हो ठीक है, रो मत, रो मत, ठीक है गई। ना? क्यों, तुम क्यों नहीं पढ़ के गए? तुम भी पबजी गेम खेल रहे थे। नहीं दीदी, दीदी एग्जाम के पहले वाले दिन मुझे बुखार आ जाता है दीदी। मैं पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ दीदी। अच्छा, हाँ तुम फेल हो गई। मैं एक मार्क से फेल हो गई। तुम्हें पता है मैं तो पास हो गया। अच्छा, रोजी अभी तक नहीं है, रोजी का क्या हुआ? रोजी, आपको पता है दीदी, रोजी तो चीटिंग कर रही थी स्कूल में। अरे नहीं, वो चीटिंग नहीं करती है। नहीं, एग्जाम के बीच में चीट पेपर निकाल रही थी पॉकेट से। नहीं, और स्पोर्ट्स में तो वो अपनी मम्मी को बोल के जिता देती है दीदी। अच्छा, नहीं, रोजी आएगी ना, मुझसे पूछेंगे। इतना टाइम हो गया, रोजी अभी तक नहीं आई। हाय रोजी, हाय दीदी। हाय चीटर। हाय चीटर। मैं चीटर नहीं हूं, मैं चीटर नहीं, तुम नहीं चीटर हूं। ही हो। देखा, रोजी चीटिंग नहीं करती है। रोजी सच सच बताओ, तुम क्यों नहीं कर, तुम चीटर हो कि नहीं? मैं चीटर नहीं हूँ, यीशु मसीह मुझे ज्ञान देते हैं, मुझे समझ देते हैं, यीशु मेरे संग रहते हैं हमेशा। तो तुम मोबाइल भी नहीं देखती हो ज्यादा? नहीं, मैं मोबाइल भी उतना नहीं देखती, टीवी भी नहीं देखती। यीशु मसीह मुझे मदद करते हैं, जितना देखना है उतना ही देखती हूँ। तुम्हें बीमारी भी नहीं आती है क्या? नहीं, यीशु मसीह मुझे चंगाई देते हैं, वो मेरे चंगाई देकर मुझे स्वस्थ रखते हैं हमेशा। वैसे तुम इतना देर से यीशु मसीह बात कर रही थी, वो यीशु मसीह कौन है? मसी कौन से दुकान में मिलते हैं? वो कितने रुपए के आते हैं? हाँ, यीशु मसीह किसी दुकान में नहीं मिलते हैं, यीशु मसीह तो परमेश्वर है। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन सारे दुनिया को बनाया, हमको बनाया, आप सबको बनाया। जॉनी, तुमको किसने बनाया? यीशु मसीह ने ही बनाया है तुम्हें भी, ठीक है? हम सबको यीशु मसीह ने ही बनाया है। और आपने अभी, आप लोग, आप तुम दोनों हार जाते हो ना हर चीज में,
अच्छा, और रोजी हर चीज में जीत जाती है। आपको बताऊं मैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रोजी ना यीशु मसीह पर विश्वास करती है, और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो संसार पर जय पाते हैं। इसलिए रोजी कोई भी अडिक्ट नहीं होती है ना? हाँ दीदी। हाँ, किसी चीज के लिए वो ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ती है, क्योंकि यीशु मसीह उसे मदद करते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह की बेटी है। इसलिए वो कोई भी चीज पर हारती नहीं है, हर चीज पर जय प्राप्त करती है। क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह 2000 साल पहले हम सबके लिए आए थे इस धरती पर, और हम सबके लिए क्रूस पर मरे थे। फिर क्या हुआ? तीसरे दिन जी उठे, मौत पर उन्होंने जय पाई थी। वैसे ही अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन जाओगे, तो संसार पर आप भी जय पाओगे, क्योंकि आपका पिता कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मौत पर जय पाए हैं, तो आप क्या करोगे? हर चीज में जय पाओगे, है ना जॉनी? हाँ दीदी। जूली, मैं भी अब से यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, मैं भी उसका बेटा बन जाऊंगा। हाँ जॉनी, अब से मैं भी विश्वास करूंगी तो मैं भी बेटे बेटियां बन जाएंगे हम सब। आप भी तैयार हो? आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करो। आप भी क्या करोगे? जब कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो यीशु मसीह का बेटे बेटे बन जाता है, और वो संसार के हर चीज पर जय प्राप्त करता है। वो किस किस पर जय प्राप्त करता है? बीमारी में, कोई भी आलसीपन में, हर एक चीज में, कोई एडिक्शन में नहीं होता है, और कोई भी परिस्थितियां। आप लोग बच्चे लोग को क्या क्या परिस्थिति आ सकता है आपको? एग्जाम्स, स्पोर्ट्स, बीमारी, है ना? हर एक चीज में आप क्या करोगे? जय पाओगे। कब जय पाओगे? जब हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन जाएंगे। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करेंगे, तब हम संसार के हर एक चीज में, संसार के हर एक वस्तुओं में हम जय पाएंगे। अब रोजी, तुम्हें पता है एक वचन है बाइबल में? कौन सा वचन? अच्छा, मैं आपको बताऊं? हाँ दीदी। हाँ दीदी। ठीक है, आप भी उस वचन को याद करना, याद रख लेना। मैं भी उस वचन को बोलूंगी, सब पीछे पीछे बोलना, ठीक है ना? हाँ दीदी। आप भी पीछे पीछे बोलना, मैं बोलती हूँ। क्योंकि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, जय प्राप्त करता है, और वह विजय, जो संसार पर जय प्राप्त होती है, जो संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है, विश्वास है। याद हो गया सबको? ठीक है, मैं एक और बार बोलती हूँ, आप भी उसे याद करना, ठीक है? आप भी उसे याद रख लेना। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जो संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। एक यूहन्ना 5:4। अब जॉनी बोलो ये वचन को। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। वेरी गुड जॉनी, बिल्कुल सही बोला। आप भी बोलना। हाँ, आप भी, आप, मैं अगली बार आपसे पूछूंगी, इस वचन को आप याद रख के बोलना, ठीक है? रोजी,
याद हो गया वचन? हाँ दीदी। हाँ वेरी सॉरी रोसी। ठीक है सॉरी रोसी। ठीक है दीदी, चलो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर डांस करते हैं। अच्छा आप भी तैयार हो डांस करने? ठीक है, आज हमने बच्चन जय पे सीखा है ना, तो आज हम जय पे एक गाना गाने पे डांस करेंगे। आप तैयार हो? वेरी गुड। आप सब तैयार हो डांस करने के लिए? हम सब अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे और भी आएंगे, आप सब उनके साथ मिलकर डांस करेंगे। प्ले द म्यूजिक। यीशु मसीह आया जगत में, लहू बहाया, दिया बलिदान जान, पाप और शैतान पर पाया विजय, वो मौत को हरा कर जी उठा। यीशु यीशु मसीह आया जगत में, लहू बहाया, दिया बलिदान जान, पाप और शैतान पर पाया विजय, वो मौत को हरा कर जी उठा। यीशु हम भी जीतेंगे, यीशु नाम से हर दम जीतेंगे, हर एक स्थान में हम भी जीतेंगे, यीशु नाम से हर दम जीतेंगे, हर एक स्थान में। हमारे खिलाफ जो विधियों का लेख था, उसको मिटा कर निकाला नजरों से, दुष्ट प्रधानों को कैदी बनाकर अपने जुलूस में उनको घुमाया। हमारे खिलाफ जो विधियों का लेख था, उसको मिटा कर निकाला नजरों से, दुष्ट प्रधानों को कैदी बनाकर अपने जुलूस में उनको घुमाया। आज आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, मैं विश्वास करती हूँ। आज हम इतने सारे फ्रेंड्स से मिले, आप खुश हो ना? ठीक है, हम अगली बार भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा प्रेयर कर ले। आप सब आज बहुत कुछ सीखे हो ना, कि यीशु मसीह पर जो जो विश्वास करता है वो नया जन्म पाता है, वो उनके बेटा बेटियां बन जाता है, और संसार के हर एक चीज पर वो संसार पर जय पाता है। आप सब भी तैयार हो प्रेयर करने के लिए? जब मैं प्रेयर करूं आप सब अपने आंखों को बंद करना, ठीक है? आप सब आंख बंद करेंगे, प्रेयर करूंगी दीदी। है स्वर्गीय पिता प्रभु, आपने हम सबको अभी तक संभाल के रखा, उसके लिए हम आपको शुक्रिया करते हैं। इन बच्चों के दिलों में प्रभु आपने बात किया होगा पिता, हर एक बच्चे प्रभु आप पर विश्वास करे, हर एक बच्चे हर एक परिस्थितियों में वो जय पाए प्रभु, हर एक चीज़ों में, संसार के हर एक चीज़ में वो जय पाए, क्योंकि आज आप हमारे पिता हो, आप खुद मौत पर जय पाए हो, तो हम आपके बेटे बेटे आए, हम भी हर एक चीज़ों में जय पाए प्रभु। प्रभु आप हर एक बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, हर एक बच्चे आपके बेटे बेटियाँ बन जाए पिता, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ, सब बच्चों को मैं आपके लहू के अंदर रखती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हम अगली बार भी मिलेंगे, बाय।